बनारस के आज ईद कई से सकुशल संपन्न हो अपना कि अपना जन लोगों से सहयोग में मिला और हर जगह ये सकुशल संपन्न किया जा रही है। ये पुलिस प्रशासन और आम जनमास ये सब तीनों मिला के मिलजुल के ये त्यौहार अच्छे से मनाने के लिए काफ़ी पीस कमेटी मीटिंग हुई थी। ये हर चीज़ में पूरा सहयोग हर तरफ से सहयोग मिली है, इस वजह से ये आज सकुशल संपन्न हो जा रही है और ये सभी के लिए आज ईद की आभार। मुद्दे का पढ़ना सुन्नत है, लेकिन जब शुरू हो जाए तो इसका सुनना वाजिब है। अल्लाहु लिमन हमिदा, जो मांगने से रह गया है ऐ अल्लाह तू हम सब के हक में गैर जान। समिया अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज ईद उल फितर की नमाज़ अदा की गई। इस मुल्क के अंदर आपसी भाईचारा प्यार और मोहब्बत को कायम रखने के लिए, नफ़रत की आवाज़ को मोहब्बत के प्यार में ढालने के लिए दुआएं की गई हैं और ये कोशिश की गई है कि उम्मीद की जा रही है कि इस ईद से प्यार और मोहब्बत की हवाएं चलेंगी। जिन मुमालिक के अंदर हालात थोड़ा बिगड़े हुए हैं वहाँ के लिए भी दुआ की जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ के भी हालात को दुरुस्त करे, अमन कायम करे। आज ईद क्या है? आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर अल्लाह ने मुसलमानों को ईद उल फितर के नाम पर शुक्राने की नमाज़ अदा करने के लिए 30 रमज़ान के बाद ये मोहब्बत का पैगाम दिया है कि आप जाइए शुक्र अल्लाह का अदा करिए। और आज सारे लोग ईदगाह के अंदर आए हैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। यकीनन इस शुक्राने की नमाज़ ईद की नमाज़ के बाद यकीनन पूरे मुल्क के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए मोहब्बत और प्यार के लिए दुआ हुई, इस मुल्क की तरक्की के लिए दुआ हुई, इंसानियत और भाईचारे के लिए दुआ हुई। जो गंगा जमुनी तहजीब है, जहाँ से गंगा की लहरें रवानी और मौजें इस बात का सबूत देती हैं कि इंसानियत और भाईचारे का पैगाम इस काशी से जो निकलेगा यकीनन पूरे मुल्क के अंदर एक इंसानियत और भाईचारे का पैगाम जाएगा। और हम आज ईद के दिन बनारस ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आवाम को, इस मुल्क की जो आवाम हिंदू और मुसलमान सब मिलकर एक मोहब्बत का पैगाम दिए हैं
जो नवरात्रि का भी प्रोग्राम चल रहा है, हम उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और यकीन करते हैं कि जिस तरीके से इंसानियत ने मोहब्बत सिखाया है, प्यार सिखाया है, इस रमज़ान के अंदर सब्र सिखाया है, सब्र के साथ ईद का जो तोहफा मिला है खुशियों का, पूरे मुल्क के अंदर ये खुशियाँ पैदा होगी जाएगी।